तो हे गाइस, आप सभी का स्वागत है पोके वर्स एक्स के एक नए वीडियो में। और यार आज हम लोग बात करने वाले हैं पोकेमोन के कुछ टॉप 10 फैन थ्योरीज के बारे में। और यार आज मैं अकेला नहीं हूँ, आज मेरे साथ है पोकेमोन सोर्स, जिसको तो आप सब लोग जानते होंगे। तो यार आज हम दोनों मिल के आप लोग को ये लिस्ट बताने वाले हैं। और यार ये पार्ट टू है, तो पार्ट वन अगर आपको देखना है तो वो पोकेमोन सोर्स के चैनल में मिलेगा। तो यार उनके चैनल में जाओ और उस वीडियो को देखो, और अगर आपने अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो यार अब इस वीडियो की तरफ जो है हम लोग बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जो नंबर 5 में जो पोकेमोन की फैन थ्योरी आती है, उसके मुताबिक जो ऐश है वो कोमा में है, और वो कोमा में तब गया था जब जो पिकाचू है वो स्पियरोस से बचने के लिए थंडर बोल्ट जो है वो यूज़ किया था। तो वो जो थंडर बोल्ट था वो ऐश को लगा था, और उसी थंडर शॉक के कारण जो ऐश है वो कोमा में चला जाता है, और उसने फिर जितनी भी जर्नी की है वो अपने कोमा में रह के करी है। तो दोस्तों, ये जो फैन थ्योरी है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है यार इंडिया में, और इसको मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया क्योंकि यार इसके ऊपर मैंने एक और रेडी वीडियो बना के रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लेना, उसमें मैंने इसके बारे में जो है वो डिटेल में बात की है। तो यार नंबर 5 में यही फैन थ्योरी थी। अब हम चलते हैं नंबर 4 की तरफ। तो नंबर 4 पर वो एक फैन थ्योरी है जो काफी हद तक सही भी हो सकती है, वो है कि आर्कनाइन क्या एक लेजेंडरी पोकेमोन है। क्योंकि अगर हम पोकेमोन के स्टार्टिंग के एपिसोड्स देखें तो उसमें मोल्ट्रेस, आर्टिक्यूनो, जेब्डोस की फोटो लगी होती है, और उनके साथ ही आर्कनाइन की भी फोटो होती है जब ऐश प्रोफेसर ओक को फोन करता है। तो यार सोचने वाली बात है, कैंटो के जो लेजेंडरीज हैं उनके साथ आर्कनाइन को क्यों रखा गया है, और पोकेमोन के ओपनिंग थीम में भी आर्कनाइन ऐश के साथ क्यों दिखता है, और आर्कनाइन के स्टैट्स भी सब पोकेमोन से एकदम डिफरेंट क्यों है, जो कि उसके स्टैट्स है 555। और पोकेमोन में हमें देखा था कि पोकेडेक्स भी उसे कहता है एक लेजेंडरी पोकेमोन है। अगर आप वो क्लिप देखना चाहते हैं तो इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। तो यार ऐसा आर्कनाइन के साथ इतना स्पेशल क्यों हुआ, और क्या वो एक लेजेंडरी पोकेमोन था, यार ये तो हमें पता नहीं, पर थ्योरी के हिसाब से वो एक लेजेंडरी पोकेमोन होने वाला था। पर जो भी कहो यार, आर्कनाइन के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ। अगर आप इस थ्योरी के बारे में और जानना चाहते हो कि आर्कनाइन एक लेजेंडरी पोकेमोन होने वाला था, तो यार मेरे वीडियो को भी चेकआउट करें, उसका एक कार्ड फ्लैश हुआ ऊपर, और उस वीडियो को देखें, और आपको सब कुछ पता चल जाएगा क्यों आर्कनाइन एक लेजेंडरी पोकेमोन नहीं बन पाया। तो यार उस वीडियो को भी जरूर चेकआउट करें। तो गाइस, जो नंबर 3 में जो थ्योरी आती है वो यार काफ़ी ज़्यादा सेंस बनाती है। तो इस थ्योरी में ये कहा गया है कि जो पिकाचू है उसका जो पहला ट्रेनर था वो ऐश नहीं था, उसके पहले भी उसका एक ट्रेनर था। तो यार इस थ्योरी में सिंपली यही कहा गया है कि जो पिकाचू है उसका एक पास्ट ट्रेनर था, और इसी कारण जो पिकाचू है वो शुरू में इंसानियत से डरता था और उसको इंसानों से घुलने मिलने में प्रॉब्लम होती थी। तो यार ये थ्योरी काफ़ी ज़्यादा सेंस बनाती है, और इसी कारण ये नंबर 3 में है। तो यार इसके ऊपर मैंने पहले ही एक वीडियो बना के रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसमें उसको देख लेना, उसमें मैंने इस थ्योरी के बारे में डिटेल्स में बात की है। तो अब हम चलते हैं नंबर 2 की तरफ। तो हम में से ज़्यादातर लोग मियोडिटो के बारे में तो जानते ही होंगे, दोनों ही काफ़ी क्यूट पोकेमोन है, और एक और बात, दोनों का वेट एकदम सेम है, दोनों का कलर भी सेम है, और शाइनी फॉर्म में भी दोनों का कलर बिल्कुल सेम है, और वो ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं दूसरे पोकेमोन में, हालांकि डिट्टो थोड़ी देर के लिए हो सकता है। और एक और बात काफ़ी ज़्यादा सोचने वाली है कि ज़्यादातर डिट्टो सिनेबार आइलैंड में मिलते हैं, जहाँ पे म्यूटो हमें मिलता है गेम्स में। और एक और बात हो सकती है, अब तुम सोचो, क्या डिट्टो एक फेल्ड कॉपी है म्यू की, क्या म्यूटो से पहले डिट्टो बना था और डिट्टो फेल्ड हो गया था कॉपी म्यू की, क्योंकि दोनों का कलर भी बिल्कुल सेम है। और अगर तुम्हें इसके बारे में और जानना है तो मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, तो जरूर उस लिंक को देखें क्योंकि ऊपर एक कार्ड फ्लैश हुआ है, तो उस वीडियो को भी जाके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, जो नंबर 1 में जो पोकेमोन की थ्योरी आती है यार वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और काफ़ी ज़्यादा सेंस बनाती है। तो दोस्तों यार सब लोग परेशान थे कि आखिर ऐश की एज क्यों नहीं बढ़ रही है। फिर ये थ्योरी में ये कहा गया है कि जो ऐश की जो एज है वो इसलिए नहीं बढ़ रही क्योंकि ओहो ने उसको वरदान दिया है। तो भाई ये थ्योरी तो आप सबको पता ही होगा, पर जिसको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। ये जो थ्योरी है उसमें ये कहा गया है कि जो ऐश की एज है वो इसलिए नहीं बढ़ रही है क्योंकि ओहो ने उसको वरदान दिया है। अब ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि जो ओहो है उसकी जो पोके एंट्री से उसमें ये लिखा गया है कि जो भी ओहो को देख लेता है उसको उसके अंदर की जो हैप्पीनेस है वो मिल जाती है। अब भाई जो ऐस उसका तो यार हैप्पीनेस इसी में होगी कि वो हर समय पोकेमोन का सफ़र में रहे। तो यार इसी कारण ये थ्योरी बन के आई और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई, थोड़े ही समय में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई। और यार फिर ये थ्योरी सब जगह फैल गई और काफ़ी ज़्यादा सेंस भी बनाती है थ्योरी। तो इसी कारण ये हमारी लिस्ट में नंबर 1 में जगह बनाती है। तो यार यही थे पोकेमोन की कुछ थ्योरीज जिसमें मेरे भाई ने मदद की, पोकेमोन सोर्स ने। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, पोकेमोन सोर्स को जाके विजिट करना, और पीछे जो फटाका है उसकी आवाज़ आ रही है तो भाई सॉरी यार,
भाई कल से फोड़े जा रहे हैं भाई ये लोग और मेरी कोई सुन भी नहीं रहा है, छोटे छोटे फटाका की आवाज़ आ रही है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो ठीक है भाई लोग, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक दे देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और भी पोकेमॉन या फिर एनिमेस वीडियो के लिए। तो भाई लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और पोकेमॉन सोर्स को भी सब्सक्राइब करना अगर आपने नहीं करा है अभी तक। तो ठीक है भाई लोग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।